नमस्कार दोस्तों, वर्दबाजी के चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। यह दोस्तों YouTube पे पहली बार आपको मैं 62 kV सिंगल फेस का जनरेटर दिखाने वाला हूँ, जिसके ऊपर हम लोग 100% लोड डालने वाले हैं और बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रेडी करके दिखाने वाले हैं। ये उड़ीसा जा रहा है दोस्तों, मनोरंजन प्रधान भाई ने इसे परचेज किया है। 62 kV सिंगल फेस का किर्लोस्कर का जनरेटर है, साइलेंट जनरेटर होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर हम लोगों ने ब्रांड न्यू कैनोपी लगाएंगे, ब्रांड न्यू पैनल लगाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। 62 kV का सिंगल फेस का जनरेटर जो कि YouTube पे आप पहली बार देखेंगे, जिस पे 100% लोड डाल के मैं दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं सिंगल फेस का जनरेटर, दो तार ही निकल रहे हैं इसमें से और वाटर लोड डालने की पूरी तैयारी है। पूरे इंजन का एक नंबर का काम किया दोस्तों, चारों लाइनर, चारों पिस्टन, पंप, नोजल हेड, सारे इंजन पूरी ओवरऑल करने के बाद अब इस पे 100% लोड डालने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देख सकते हैं दोस्तों, हाफ सेल्फ में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है। किर्लोस्कर का 4R1040 टर्बो इंजन है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही धमाकेदार इंजन है दोस्तों। ये 62 kV के जनरेटर के लिए ब्रांड न्यू हम लोगों ने इसमें रेडिएटर लगाया दोस्तों, ऑरिजिनल किर्लोस्कर का ही, और सिंगल फेस का इसमें ऑल्टरनेटर लगा हुआ है 62 kV का दोस्तों। टर्बो चार्ज इंजन है, बहुत ही शानदार इंजन है दोस्तों। 100% लोड पर भी चलता है, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। देख सकते हैं दोस्तों, फ्रिक्वेंसी वगैरह सारी हमने सेट करी हुई है। अभी इसे वोल्टेज थोड़े सेट करेंगे हम लोग, देख सकते हैं साफ इंजन चल रहा है। ऑयल प्रेशर भी आप देख सकते हैं 7 kg आ रहा है, बिल्कुल नए इंजन की तरह हम लोगों ने इसको बना दिया। पूरा एक नंबर का काम किया इसका, तभी दोस्तों ये परफॉर्मेंस आती है। बिल्कुल बेहतरीन और बहुत ही शानदार जनरेटर है। 100% लोड पे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी तरीके की दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, 6 kg ऑयल प्रेशर। अब इसकी DC AC भी चेक करेंगे हम लोग। देख सकते हैं अभी वोल्टेज वगैरह सब चेक कराते हैं आपको। DC देख सकते हैं आप, कितनी DC आ रही है इसकी, वो भी बताया था आपको। 9 DC आ रही है दोस्तों, वेगर लोड के 9 DC देख सकते हैं। 8 DC है, बल्कि 8 DC पे चल रहा है जनरेटर। इसका मतलब बिल्कुल ही शानदार जनरेटर है ये, इतने कम DC है इसकी। 62 kV सिंगल फेज का देख सकते हैं, 234 वोल्टेज हम लोगों ने सेट कर दी है और 51.4 इसकी फ्रिक्वेंसी कर दी है। थोड़ी सी वोल्टेज हमने डाउन करी है, पहले 240 के आसपास थी, अब धीरे धीरे करके दोस्तों अब लोड डालेंगे। देख सकते हैं वाटर लोड डाल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही हैवी लोड होता है ये लाइट पे, और आपका 20-25 एम्पीयर ही फालतू ही लेके जाएगा, कम भी लेके जाएगा। बहुत ही हैवी, बहुत ही ब्रेक लोड होता है, और इंजन का हम लोगों ने पूरा काम किया, तो लोड लेने में तो कोई दिक्कत आ रही नहीं चाहिए। बाकी वीडियो का अंतर जरूर देखेगा दोस्तों, कैनोपी के अंदर पूरा जैसे रेडी करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, आवाज़ भी चेक कराऊंगा जनरेटर की। ये देख सकते हैं दोस्तों, 130-140 एम्पीयर लोड आ चुका है जनरेटर पर, और शेर की तरह इंजन डाल रहा है 150 एम्पीयर, और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी दबरी है आपके सामने। एक चीज़ दिखा रहे हैं दोस्तों ताकि एक आपको पता चल सके किस लेवल का हम लोग काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, 180 एम्पीयर लोड आ चुका है जनरेटर में, 186 एम्पीयर, 90, पूरा 200 एम्पीयर के आसपास लोड आ चुका है दोस्तों। देख सकते हैं आप, 180-185 एम्पीयर लोड चल रहा है स्टेप जनरेटर में, 194-200, पूरा 200 एम्पीयर लोड पर स्टेप जनरेटर चल रहा है दोस्तों। 213 एम्पीयर लोड चल रहा है, और परफॉर्मेंस देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआ रही है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है 213 एम्पीयर पर। DC चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। ये देख सकते हैं आप, 28-32-30 के 27 DC आ रही है दोस्तों, 100% लोड पर 27 DC आ रही है। हीटर का, वाटर का ब्रेक लोड है दोस्तों। तो वीडियो का तो जरूर देखेगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने लोड हटा दिया, अब इसे बंद करके पूरा शोरूम कंडीशन में रेडी करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो का तो जरूर देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, बिल्कुल साइलेंट जनरेटर रेडी करके आपको आवाज़ भी चेक कराएंगे, और सारी उसकी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगाने वाले। तो वीडियो का तो जरूर देखेगा दोस्तों, चलिए दोस्तों। और ये देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल में हमने बिल्कुल शोरूम कंडीशन में जनरेटर को रेडी कर दिया है। बिल्कुल ब्रांड न्यू कैनोपी लगाई है हम लोगों ने। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। देख सकते हैं बिल्कुल 2022 मॉडल, लेटेस्ट मॉडल का हम लोगों ने जेनसेट बना दिया है। किर्लोस्कर का 62.5 kV का साइलेंट जेनसेट बिल्कुल 2022 मॉडल की तरह रेडी हो चुका है। ब्रांड न्यू कैनोपी लगाई है हम लोगों ने, ब्रांड न्यू पैनल लगाया है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं। तो इसका दरवाज़ा खोल के मैं दिखा देता हूँ। पहले इसका पैनल ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत शानदार पैनल है ये। 62.5 kV का सिंगल फेस का पैनल है, जिसके अंदर DG ऑन और मेन ऑन दोनों की लाइट दे रखी है। देख सकते हैं आप, ये डीप सी का कंट्रोलर लगा हुआ है, जो सारी सेफ्टी होती है इसके अंदर। बहुत शानदार पैनल है ये, स्टार्ट स्टॉप भी करता है और ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप भी करेगा जनरेटर को। इससे देख सकते हैं पैनल ऑन ऑफ होता है, सारी सेफ्टीज होती है। ये MCB है, जिससे लोड ऑन ऑफ होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत धमाकेदार पैनल है। इसमें दो सपोर्ट दिए ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना है इसके अंदर।
बहुत ही शानदार है इसके, ये इसका इमरजेंसी स्टॉप है दोस्तों। बाहर से अगर आप जनरेटर बंद करना चाहते हो तो यहाँ से बंद कर देते हैं। और इंजन भी दिखाई देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर रंग पेंट करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन में हम लोगों ने इसे रेडी कर दिया है। किर्लोस्कर का 4R1040 टर्बो इंजन है, इसमें बैंको का जेन्युइन रेडिएटर लगा है जो किर्लोस्कर के जेनसेट में लग के आता है। सारे EPDM के ब्रांड न्यू हॉर्स पाइप लगाए हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप। 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन है, 83 BHP का इंजन होता है दोस्तों ये। सारे हाइड्रोलिक के हम लोगों ने इसमें डीजल पाइप लगाया जैसा हर जनरेटर में लगाते हैं। ब्रांड न्यू हम लोगों ने इसमें स्टॉप सोलेनोइड लगाया, जेन्युइन किर्लोस्कर का है दोस्तों। ऑयल प्रेशर स्विच भी हम लोग नया लगाते हैं, सारे ऑयल फिल्टर वगैरह जेन्युइन मिलेंगे आपको। एयर फिल्टर भी ब्रांड न्यू लगाया हुआ है इसमें, देख सकते हैं दोस्तों आप। सारी चीज़ें दोस्तों टॉप नॉच मिलेगी आपको, बिल्कुल शोरूम कंडीशन में जैसे रेडी हो गया, देख के कोई कह नहीं सकता किसी भी एंगल से कि जनरेटर पुराना है दोस्तों, ना अंदर से ना बाहर से और ना चलने में ना परफॉर्मेंस में। देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन जनरेटर है ये, देख सकते हैं आप। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की कैनोपी है जो भी लेटेस्ट किर्लोस्कर से आ रही है। ओरिजिनल कैनोपी लगाते हैं हम लोग दोस्तों, ओरिजिनल ही पैनल लगाते हैं। इस पैनल के अंदर भी सारी खासियतें हैं, कोई भी दिक्कत आएगी जनरेटर को तुरंत बंद कर देगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट भी करेगा, ऑटोमेटिक बंद भी करेगा। सारी इसके अंदर सेफ्टीज है, इसका साइलेंसर है जिसके ऊपर मफलर भी लगा हुआ है दोस्तों ताकि रस्टिंग वगैरह ना आए। इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन जनरेटर है। फेनर की ओरिजिनल बेड लगी हुई है इसमें चौड़ी वाली, देख सकते हैं दोस्तों। सारा एक नंबर का काम हुआ है, टर्बो चार्ज इंजन है इसका, टर्बो है दोस्तों, ये देख सकते हैं। सारे हॉर्स पाइप वगैरह आपको ब्रांड न्यू मिलेंगे, फ्यूज भी मिलेगा वायरिंग के अंदर जैसा हर जनरेटर में देते हैं। जेन्युइन वायरिंग लगाई है हमने इसमें किर्लोस्कर की, देख सकते हैं आप। सारे हाइड्रोलिक के हाई प्रेशर के EPDM के हॉर्स पाइप लगे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये बैटरी स्टैंड है जहाँ बैटरी रखी जाएगी दोस्तों। बहुत ही शानदार जनरेटर दोस्तों, उड़ीसा जा रहा है ये, मनोरंजन प्रधान भाई ने हमसे खरीदा, उनका डीजे का काम है, बहुत शानदार काम है दोस्तों। ये 62 KV का सिंगल फेस का ऑल्टरनेटर है, ये डीजल इनलेट है जहाँ से डीजल डाला जाएगा। ये फ्यूल गेज है दोस्तों जो मैनुअली और डिजिटली दोनों तरीके से आपको डीजल बताएगा टैंकी में कितना डीजल है। बहुत शानदार जनरेटर है दोस्तों ये। इसके प्राइस जानने के लिए दोस्तों व्हाट्सएप करें, SMS करें, मैसेज करें या कॉल करके आप उनसे प्राइस वगैरह की सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको स्टार्ट करके पूरी इसकी आवाज़ भी टेस्ट कराऊंगा कि केबल इनलेटर जहाँ से केबल जाएगी इसकी लोड की भाई सब। अभी हम आपको स्टार्ट करके इसका 100% टोट को मैं आपको चेक करा चुका हूँ, करीब 100 ampere लोड डाल के इसकी आवाज़ भी चेक कराने वाला हूँ मैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखेगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। ये देख सकते हैं दोस्तों यूनिट ऑन हो चुका है, अब हम लोग ग्रीन बटन दबाएंगे जनरेटर चालू हो जाएगा। ये जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं DG1 की इंडिकेटर चल रही है। सारे पैरामीटर आप इस यूनिट के अंदर देख सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं आप। ये वोल्टेज दिखा रहा है 234 वोल्टेज है, सिंगल फेज का जनरेटर 51.3 फ्रीक्वेंसी है, लाइन वोल्टेज है ये देख सकते हैं आप। सारे पैरामीटर आप इसको इजीली देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जेनसेट है ये, देख सकते हैं। ऑयल प्रेशर भी आ रहा है 60 kg के आसपास ऑयल प्रेशर है। ये DC वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों, ये चार्जिंग वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों, सारी चीज़ें दिखाएगा ये आपको। RPM दिखा रहा है ये, 50 ampere frequency वोल्टेज, एक एक पैरामीटर आप इसके ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं 234 वोल्टेज है। मैं आपको इंजन की भी परफॉर्मेंस दिखाई दूँ, किस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है रनिंग कंडीशन में, देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है, कहीं से कोई धुएं की लीकेज नहीं है, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा आपको। बिल्कुल बेहतरीन जनरेटर ही रेडी हो चुका है, बिल्कुल नई की तरह दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेज नहीं होते और लाइक करने के भी कोई चार्जेज नहीं होते। देख सकते बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों, कोई धुआं नहीं है, किसी टाइप का कोई नॉइज नहीं है, बाप भी नज़र नहीं आ रही होगी आपको। अभी हम लोग इस पर लोड डालते हैं, ये देख सकते हैं MCB ऑन करके इस पर लोड आ चुका है दोस्तों, कोई 90-93 ampere लोड हम लोगों ने डाल दिया था अपने पैनल का। इसको मैं एम्पियर पर सेट कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप धीरे धीरे करके सारे पैरामीटर आप उसे बटन दबा के चेक कर सकते हैं दोस्तों, कितना परसेंटेज लोड चल रहा है, कितना किलोवाट लोड चल रही है बताएगा आपको। देख सकते हैं 93 ampere लोड इसका इस जनरेटर पर चल रहा है दोस्तों, मेन ऑन और लोड ऑन की भी लाइट जल चुकी है। आवाज़ भी मैं आपको चेक कराया था दोस्तों, देख सकते हैं आप, बाहर से भी पूरा आसानी से आप देख सकते हैं सब कुछ विजिबल है, और आवाज़ भी चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल सुपर साइलेंट जेनसेट बन चुका है दोस्तों ये। इधर से भी परफॉर्मेंस दिखाया था इंजन की, किस टाइप की आ रही है दूसरी तरफ से, देख सकते हैं दोस्तों सारी तरफ से एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस है, किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं मिलेगा आपको। प्रॉपर जेनसेट चल रहा है, हर एंगल से आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं सटके खड़ा हूँ जनरेटर से और आवाज़ आप चेक कर सकते हैं, ये वाले भाई ने लिया है हमसे, मनोरंजन पर उड़ीसा के लिए जा रहा है दोस्तों ये, सैनी बाली जगह का नाम है सैनी बारी,
यहाँ पे जनरेटर जा रहा है, ये कटक के पास पड़ता है, ये बहुत ही शानदार जनरेटर है। प्राइस जानने के लिए दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इस टाइप के सारे जनरेटर अभी और भी वीडियो आने वाले दोस्तों, 8-10 जनरेटर हमारे और रेडी हो रहे हैं। 40 KVA, 45 KVA, 62 KVA सारी रेंज आपको मिलेगी। ब्रांड न्यू कैनोपी के साथ में 25 KVA, 15 KVA, 30 KVA सारे होते हैं हमारे पास, और सारे इंजनों का एक नंबर का काम किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों वर्क वर्क जनरेटर चल रहा है, कोई किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। ये बिल्कुल बेहतरीन जनरेटर, बिल्कुल भी धुआं नहीं है। देख सकते हैं स्वयं के लोड में चल रहा है, बिल्कुल धुआं नहीं, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों। ये जनरेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों, इसको देख के कोई कह नहीं सकता कि जनरेटर पुराना है। किसी भी एंगल से ना चलने में ना दिखने में, परफॉर्मेंस में सब चीज़ में प्रॉपर है दोस्तों। 100% लोड पे 6 से 7 लीटर का डीजल कंजप्शन आता है इसका दोस्तों। बहुत ही शानदार जनरेटर है, किर्लोस्कर का 4R1040 इंजन है, और आवाज़ आप देख ही सकते हैं इसकी। कहीं तक दिख लीजिए दोस्तों, आवाज की भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अब ये जैसे हम लोग इस बंद करेंगे दोस्तों, ये मेन लोड हटा दिया है, रेड बटन दबाते जनरेटर बंद हो जाएगा। और ये जैसे बंद हो चुका है दोस्तों, डिलीवरी के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल साफ सफाई करके अच्छी तरह पैक करके हम डिलीवर करेंगे उड़ीसा के लिए DCI ट्रांसपोर्ट से। ये देख सकते हैं दोस्तों, अच्छी तरह पैकिंग करके गत्ता वगैरह लगा दिया छत पे भी और साइड में भी, ताकि बिल्कुल भी डैमेज ना हो। ये डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों, अब ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आ रही है, इसे लोड कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।